टोटल कितने प्लॉट ले लिया आप लोगों ने हमसे ये बताइए आप? नौ प्लॉट ले चुके हैं। नौ प्लॉट ले चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में पहले ऐसे इलाका देख रहा हूँ जहाँ इतना सारा काम एक साथ चल रहा है, हर कोई अपने अपने मकान में बैठा है। स्कूल है सर, आप सामने देख सकते हैं, आपको स्कूल मिलेगा, बसावट स्कूल भी। और सबसे बड़ी खास बात ये, इधर से रेलवे स्टेशन जाना है आपको, इधर से आपको शिव विहार मेट्रो स्टेशन जाना है, रेलवे स्टेशन सब है। जाने के लिए भी इंडस्ट्रीज एरिया जाने के लिए आप इधर से जा सकते हैं। बसावत देख सकते हैं, हर घर में लाइट लगी हुई है, हर घर में पानी मतलब की टंकी लगी हुई है। ऐसी कॉलोनी में आपको कोई नहीं दिखाएगा प्लॉट। 25 गज का प्लॉट लेते हैं तो आपका 2.5 लाख रुपए से शुरू होने वाला है। 2.5 लाख रुपए का मात्र प्लॉट यहाँ पे मिल रहा है, और उसके लिए आपको 42 महीने तक का समय मिलता है। अगर कैलकुलेशन करेंगे आप तो ब्याज फ्री रहेगा पहली बात तो, और कैलकुलेशन में आप जाएंगे तो मात्र 4,000 या 5,000 रुपए से ऊपर नहीं होने वाला आपका, यानी कि किराए से भी बचेंगे आप। बिजली पानी क्या है यहाँ है? देखिए सर कैमरे से देखिए, पानी के लिए कहते हैं अभी 2 मिनट में समर सेल चलवाऊंगा, एक बार चला के दिखा दे क्योंकि लोग तो बताते हैं यहाँ पे, थोड़ा चला के आंटी जी एक बार समर सेल चलाने इसको चालू कर दे। ये देखिए सामने पानी आ गया आपके। आबादी के मामले में देख सकते हैं, ये कॉलोनी मैंने 2 महीने पहले काटी थी। अच्छा? मकान देखो, यहाँ काम चल रहा है, वहाँ काम चल रहा है, इधर काम चल रहा है। अब चार आप मेरे पीछे आके देख सकते हैं सर, चारों तरफ काम ही काम चल रहा है। इसका मतलब ये सब लोगों को हमने डिलीवर किया हुआ, ये नहीं कि सिर्फ बोलते हैं कि मकान देंगे मकान बनाने भी लग गए। आप जब मैं यहाँ खड़ा हूँ आप वहाँ जाइए, वहाँ जाके आप बात कीजिए। ये भाई साहब तो मकान के साथ आगे दुकान भी बनाएंगे। अच्छा दुकान भी बना रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। निखिल भाई लोगों ने अपने जिन्होंने छोड़ दिया, बाउंड्री करवा के छोड़ी हुई, किसी ने अपना मकान बनाना शुरू कर दिया। क्या चल रहा है भाई? ये आप देख सकते हैं सर, डेवलपमेंट चल रहा है और क्या चलेगा यहाँ चल रहा है। देखिए आपके पीछे 20 से 30 मकानों में तो करंट में काम चल रहा है। मेरे सारे मकान एक साथ ही सर, एक साथ ही बन रहे सर। क्या बात है, देखिए मतलब जिधर भी आप एंगल घुमाएंगे उधर ही आपको काम करता हुआ दिखाई देंगे। इधर भी बन रहा है, पीछे भी बन रहा है, पीछे भी बन रहा है, चारों तरफ। ये तो सिर्फ प्लॉट लेके मकान बनाना चालू कर दिया। ये तो सर सिर्फ एक गली है, अगर 2-3 गली और आगे चलेंगे ना भी आप देख सकते हैं कि शायद ये गिनती 100 तक ना पहुंच जाए। प्लॉट तो किसी ने नहीं दिखाया, कितना प्लॉट है ये अपना? ये टोटल जो एरिया है आपका 50,000 गज का एरिया है, यानी कि यहाँ कम से कम 1,000 फैमिली आगे रहेंगी, अपने अपना सपना पूरा करेंगे, अपने मकान में आगे रहेंगी। तो आप भी समझिए कितनी बसावट होगी। और यहाँ पे पहले से जो घर बना हुआ है ये सब क्या बिक चुका है सारा? ये सर हमारे ही डेवलपमेंट है, जैसा कि हमने वीडियो में देखा था, पुरानी वीडियो में भी और अभी भी हमने शूट किया है। तो इसका रेट तो सर ऑफिशियली बढ़ चुका है, यहाँ का रेट अब 18-20 हजार रुपए गज है। यहाँ का जो मैं प्लॉट दे रहा हूँ आपको, यहाँ 10,000 रुपए गज से शुरू होने वाला है। और ये देखिए तुम्हारा प्लॉट कहाँ है? अच्छा इनका भी मकान है। ये किसका प्लॉट है? ये मेरे भाई का है। और वो कौन खड़े हैं? वो हमारे साले साहब हैं। और उनका प्लॉट कहाँ है? उनका प्लॉट उधर बन। मतलब टोटल कितने प्लॉट ले लिए आप लोगों ने हमसे ये बताइए आप? 9 प्लॉट ले चुके। 9 प्लॉट ले चुके हैं सर। ले लिए भाई। अच्छा काम किसके कितने प्लॉटों में करवा चुके हैं हम? हमने 3 प्लॉट में करा। अच्छा 9 प्लॉट क्यों लिए यहाँ पे आप? और भी तो लोकेशन है, यहाँ पे क्यों लिए 9 प्लॉट? यहाँ पे सर सब कुछ अच्छा लग रहा है, रेलवे स्टेशन पास में है, मेट्रो भी पास में है, और भी सुविधाएं हैं, मतलब पूरी फैमिली इधर ही बसाना है। जी 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 क्या बात ये है, तो पूरे रिश्तेदार अपने साले ससुर भाई बंदे सब आ चुके हैं, सब आ गए। कॉलोनी में पूरी बसावट में आप देख सकते हैं कि बिजली वगैरह की भी कोई दिक्कत नहीं है, खंभे लगे, सारी चीजें लगी हुई, स्ट्रीट लाइटें भी लगी हुई है, गली सब देखिए काफी चौड़े हैं। और ये देखिए ऑटो भी जा रही है सामने से ही। ऑलरेडी हम अपनी साइड की तरफ, बाइक कहाँ पे रहेगा लोकेशन और कहाँ से चल रहे अभी हम? आज हम बिल्कुल बसावत वाली साइड पर चलने वाले हैं। आज की लोकेशन में खास बात यह रहेगी कि आपको मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशन दोनों आपको नज़दीक में पड़ेगा। आप देख सकते हैं कितनी बेहतर लोकेशन है, कितने शानदार शानदार मकान बने हुए हैं। तो आप लोगों के पास भी मौका है कि आइए और ऐसी अच्छी लोकेशन में अपने सपनों का घर बनाएं। मतलब इतने शानदार घर है और इसी बीच में अपनी प्लॉट रहेगी, इसी बीच में होने वाले हैं सर। और इससे भी शानदार शानदार मकान है, इससे भी शानदार कॉलोनी। आप रास्ता देख सकते हैं, साफ सफाई देख सकते हैं। ये स्कूल है सर, इसके बराबर यहाँ पे एक स्कूल आपको मिल जाता है। और ये पूरी मार्केट है, ये पूरी मार्केट डेवलप हुई है सर। और ऐसी ही मार्केट जस्ट बिल्कुल आप भी बना सकते हैं हमारी साइड पे लेके, लगती हुई मार्केट आपको मिल जाएगी जहाँ पे आप पैदल आ सकते हैं वॉकिंग डिस्टेंस पे। बिल्कुल सारी चीजें वॉकिंग डिस्टेंस पे जा रहा है, देखिए ऑटो रिक्शा हर तरीके की सवारी आ रही है। और मैं सही बताऊं तो अभी हमारा हाल ही में ही 12 सिटी बसें मिली हमें रूट पे। अच्छा, इस रूट पे नोएडा जाने वालों के लिए, गाजियाबाद जाने वालों के लिए और दिल्ली जाने वालों के लिए। ये रोड कितने फीट का दे रखे हैं यहाँ पे सर? ये रास्ता ये 60 फुट का है आपका, 60 फुट का एंट्री पॉइंट है। और इसी 60 फुट से हमने 35 फुट के 40 फुट के रास्ते अपने कॉलोनी में जाने के लिए दिए हुए हैं। तो मेन रास्ता 60 फीट का आपको मिल जाता है जो अपनी साइड की तरफ जा रहा है। और पूरी बसावट आप देख ही रहे, स्कूल आपको बहुत सारी यहाँ पे मिल जाएगी, मार्केट आपने देखा अभी जस्ट। और एक और स्कूल आ रहा है, ये भी स्कूल है क्या सामने? ये भी सर स्कूल है, साथ में ये आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ राम सिंह पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, यानी कि अगर हायर एजुकेशन में आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं पे अपना सारी चीजें कर सकते हैं। देखिए रिक्शा भी जा रही है, रिक्शा भी चलती है अपने साइड। सर सारी साधन तो खूब है, आप रात के करीब 9-10 बजे तक भी आते हैं, अभी सर्दी का माहौल है फिर भी आपको मिल सकते हैं रिक्शा वगैरह। बहुत बढ़िया, देखिए स्कूल कॉलेज की पूरी फैसिलिटी। और ये देखिए आगे आप बसावट और एकदम पास में यहीं से आपको जमीन अपनी चालू हो जाती है, बहुत ही बढ़िया लोकेशन पे आज आपको जमीन दिखाने चलेंगे।
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एजुकेशनल हब तो है ये, साथ में यहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए भी बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। अच्छा। अगर चाहता है कि आपके बच्चे में किसी में हुनर है तो वो क्रिकेट वगैरह से रखता हो या बैडमिंटन, तो हर तरीके के यहाँ सर खेल प्रशिक्षण संस्थान भी बहुत सारे अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कितने ही आपको ई रिक्शा मिल चुके होंगे। निखिल भाई देख सकते हैं टाइम कितना हो रहा है, ऑफिस बंद कर चुके हैं हम, फिर भी क्लाइंट अंदर बैठे हुए सब अपनी अपनी बुकिंग वगैरह कर रहे हैं, अभी भी बैठे हुए यहाँ पे, देखिए लोग आते हैं यहाँ पे, तो इतना इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जल्द से जल्द अपना प्लॉट बुक करें, अपॉइंटमेंट फिक्स करें अपनी और अपना सपनों का घर पूरा करें। देखिए यहाँ पे अभी क्या चल रहा है, ये बुकिंग चल रही है सर, देखिए अभी देख के आए हैं, साइट देख के आए हैं, अभी देखा था ना हमने साइट पे कितना टाइम हुआ था, उसके बाद ये सब बुकिंग कर रहे हैं अपना, बुकिंग कर रहे हैं अपने, हम कुछ भी नहीं पूछ रहे किसी से। बाकी यहाँ पे देखिए कितने सारे क्लाइंट रात के टाइम पे भी आपको मिलेंगे यहाँ पे, देखें और दिन में आएंगे तो सर और ज्यादा भीड़ मिलेगी आपको यहाँ पे। यहाँ पे ई रिक्शा वगैरह बहुत सारी आपको मिल जाएगी कॉलोनी के अंदर ही, जो कॉलोनी है पूरी बसावट में आप देख सकते हैं कि बिजली वगैरह की भी कोई दिक्कत नहीं है, खंबे लगे, सारी चीजें लगी हुई, स्ट्रीट लाइटें भी लगी हुई है, गली सब देखिए काफी चौड़े हैं। और ये देखिए ऑटो भी जा रही है, सामने से ही ऑटो आपको दिख जाएगा यहाँ पे। और ये जितना घर देख रहे हैं आप सब घर मकान बना हुआ है, बिजली के खंबे पूरी अंदर लगे हुए हैं, मटेरियल वगैरह यहीं पे मिल जाता है आसपास। देखिए ई रिक्शा एक और जा रहा है और पूरी बसावट के बीच आपको इसी एरिया में आपको प्लॉट दिखाने वाले हैं। पास में देखेंगे हमारे साइड इसके बराबर में रेलवे स्टेशन, और आप देख सकते हैं हर दो मिनट में आपको ई रिक्शा मिल जाएंगे। ट्रांसपोर्ट की बात तो सारे करते हैं, अभी हम बिल्कुल साइड के पास खड़े हैं। और कौन सा रेलवे स्टेशन है भाई? सर ये मुर्शिदाबाद खड़खड़ी का रेलवे स्टेशन। अच्छा, ये रेलवे स्टेशन है जी, ये दिल्ली शामली वाली लाइन है जो की यहाँ से दिल्ली का जो शाहदरा का रेलवे स्टेशन है वो अगला ही स्टेशन है, बीच में एक स्टेशन पड़ता है, दूसरा स्टेशन शाहदरा का पड़ेगा, तीसरा खड़े हैं लेकिन हम साइड से सर बिल्कुल सामने साइड है हमारी, यहाँ से मुश्किल से 100 या 200 मीटर की दूरी साइड होने वाली है। ये रहा अपना रास्ता, देख सकते हैं साइड के लिए जाता है और ये फाटक आपको मिल जाएगा रेलवे का। और सबसे बड़ी खासियत यह सर ये डबल लाइन का बनना है, इलेक्ट्रिक लाइन डल चुकी है आप देख सकते हैं ऊपर। अच्छा, पहले ये इसमें लोकोमोटिव इंजन चला करता था मगर अब ये बेहतर हो गया, और मतलब ट्रांसपोर्ट की कोई दिक्कत नहीं, लोग यहाँ से उतरे और पैदल का रास्ता अपने साथ। और ये डबल हो रहा है सर, ट्रेनों की सुविधा और बढ़ेगी, प्लस यहाँ वाईफाई वगैरह लगेगा और पूरा का सौंदर्यीकरण होगा इस पूरे रेलवे स्टेशन का। आइए तो चलते हैं अब, इसके बाद हम आपको साइड की तरफ लेके, रेलवे स्टेशन मिल जाता है और इसके बाद अपनी साइड की तरफ चलेंगे। देखिए यहाँ से आपको एक स्कूल का बोर्ड दिख जाएगा, जेआर ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल, एक स्कूल ये भी पड़ता है, दो स्कूल आपने देखा था, और ये अपना रास्ता सीधे जमीन की तरफ जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं सर हमारे साइड से कितनी नजदीक में रेलवे स्टेशन। अच्छा, ये ट्रेन जा रही है, क्या बात है, देखिए अभी रेलवे स्टेशन पे थे ना, अभी देखिए ट्रेन यहीं से दिख रही है, आप भी समझ सकते हैं कि कितनी दूरी पे रेलवे स्टेशन होगी, जो ट्रेन आपको यहीं से दिख रही है, मतलब पास में एकदम सारी चीजें पास में। आप आबाद के मामले में देख सकते हैं, ये कॉलोनी मैंने 2 महीने पहले काटी थी। अच्छा। मकान देखो, यहाँ काम चल रहा है, वहाँ काम चल रहा है, इधर काम चल रहा है, अब चार माह मेरे पीछे आके देख सकते हैं सर, चारों तरफ काम ही काम चल रहा है। इसका मतलब ये सब लोगों को हमने डिलीवर किया हुआ, ये नहीं कि सिर्फ बोलते हैं कि मकान देंगे, मकान आप जब मैं यहाँ खड़ा हूँ आप वहाँ जाइए, वहाँ जाके आप बात कीजिए लोगों को क्या चीजें दी है क्या चीजें नहीं दी है मैंने, इतने सारे मकान और ये सर किए हैं क्या प्लॉट लेके। बिल्कुल बिल्कुल, अभी सारी चीजें आप देख सकते हैं, सारे मकानों पे ताजी सेटरिंग लगी हुई है, तो एक साथ इतने मकानों को बनवाना बहुत बड़ी बात होती है सर, तो लोकेशन का अंदाजा तो आप इसी चीज से लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं निखिल भाई लोगों ने अपने जिन्होंने छोड़ दिया बाउंड्री करवा के छोड़ी हुई, किसी ने अपना मकान बनाना शुरू कर दिया, बिल्कुल सब आप देख सकते हैं पीछे वो थोड़ा अपना छोटा मोटा दुकान भी लेके बैठ चुके हैं, ताकि थोड़ी बहुत बैठे रहते हैं, इनकम वगैरह भी हो जाती है, दुकान भी मतलब लोग यहाँ पे रह रहे हैं, दुकान खोल आप देखेंगे ना, ये सामने मकान देख सकते हैं, इन्होंने दुकान बनाई, वहाँ देख सकते हैं वहाँ पे लोगों ने दुकान बनाई, कॉलोनी सारी अपनी है, मेन एंट्री पॉइंट ऐसा है, तो अंदर कैसा होगा तो आप देख सकते हैं कि सब में काम चल रहा है काफी तेजी से। उधर का सेक्शन देखेंगे तो वो ऑलरेडी बसा हुआ है, ये नया सेक्शन है, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि 2 महीने पहले बेचना शुरू करा है और 2 महीने में ही लोगों ने अपना बनाना शुरू कर दिया है, सारा लोगों ने यहाँ पे बाउंड्री दे दिया है, प्लॉट ले लिया है, मकान बना लिया। उससे पहले हम उधर की तरफ बेच रहे थे सर मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल में हमने उधर बेचा था, आप देख सकते हैं काफी टाइम से यहीं पे मतलब प्लॉट देते रहे लोग। सर ये देखें सही बताया तो यहाँ तकरीबन हम 2.5 साल से 3 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे, और ये इतनी बड़ी कॉलोनी अगर हम घूमेंगे तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, कम से कम हमें 10 से 15 मिनट पूरे एरिया को कवर करने में लग जाएगा। एनसीआर के एरिया में इतनी बसावट है यहाँ पे, हम यहाँ पे खड़े थे और अब आ गए हम थोड़ा सा ही आगे आएंगे तो देखिए कितने सारे यहाँ पे क्या चल रहा है भाई, ये आप देख सकते हैं सर डेवलपमेंट चल रहा है और क्या चलेगा, यहाँ चल रहा है देखिए सामने, देखिए आपके पीछे 20 से 30 मकानों में तो करंट में काम मतलब चल रहा है, मेरे सारे मकान एक साथ ही बनाने, सारे एक साथ ही बनने सर, क्या बात है, देखिए मतलब इतनी जल्दी में यहाँ पे जिधर भी आप एंगल घुमाएंगे उधर ही आपको काम करता हुआ दिखाई देगा, इधर भी बन रहा है, पीछे भी बन रहा है, पीछे भी बन रहा है, चारों तरफ ये तो सिर्फ प्लॉट लेके मकान बनाना चालू कर दिया, ये तो सर सिर्फ एक गली है, अगर 2-3 गली और आगे चलेंगे ना भी आप देख सकते हैं कि शायद ये गिनती 100 तक ना पहुंच जाए, मैं सिर्फ गली की बात कर रहा हूँ, इससे समझ सकते हैं आप लोग बाउंड्री दे रहे, लोग घर भी बना रहे हैं, इससे आप ये समझ सकते हैं वादे किए नहीं जाते निभाई भी जाते हैं, रजिस्ट्री भी हुई हुई है कुछ लोगों की रजिस्ट्री भी नहीं है, किसी ने 2100 में कब्जा लिया है तो किसी ने 21 लाख में भी कब्जा नहीं लिया है। अच्छा। तो ये तो विश्वास वाली बात है सर, 2100 में भी कब्जा दे देते हैं, 21000 में भी कब्जा देते हैं, आप जैसे खुश होंगे कस्टमर उसको इसी तरीके से हम प्लॉट भी देते हैं, उनके हिसाब से रेट भी देते हैं सर। ठीक है, यहाँ पे इतनी सारी डेवलपमेंट सर, आप दिल्ली एनसीआर में पहले ऐसे इलाके देख रहे हो जहाँ इतना सारा काम एक साथ चल रहा है, हर कोई अपने अपने मकान में बैठा है, और यही नहीं इससे बहुत ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात यहाँ सिर्फ लोग
प्लॉट ही नहीं खरीदे, बनाते भी हैं। अच्छा। ये आपको इंतजार नहीं करने की आज मैंने यहाँ प्लॉट ले लिया, मैं 3 साल बाद 4 साल बनाऊंगा, यहाँ तो आप आएंगे आते के साथ ही अपना मकान बनाना शुरू कर सकते हैं। मतलब देखिए एक साथ मल्टीपल यहाँ पे प्लॉट लोग लेके मकान बनाना चालू करते हैं, जितने भी प्लॉट देख रहे हैं। ये भाई साहब तो मकान के साथ आगे दुकान भी बनाएंगे। अच्छा, दुकान भी बना रहे हैं यहाँ पे, और देखिए पीछे तक घर बन रहा है यहाँ पे जितना भी देख रहे हैं, और इधर आप एंगल करेंगे तो उधर भी बन रहे हैं सर बहुत सारे मकान और बन रहा है। जी जी जी, बिल्कुल भी नहीं रहा, इतना सारा मकान बन रहा है दिल्ली NCR में, पहली बार आपको इतनी बसावट। और ये देखिए यहाँ पे सारे काम में लगे हुए हैं, और सारा मकान उधर भी काम चल रहा है, इधर भी चल रहा है, चारों तरफ काम ही काम है सर, बन रहा है मकान। और ये जो अभी दिखाए थे ना, सारा मकान पहले से बना हुआ है यहाँ पे, जो अभी 2 महीने पहले बना है, और ये अभी और भी बनना चालू हो गया है। और अभी सर कुछ दिन और रुके, ये पट्टी आप पहचान नहीं पाएंगे, आप यकीन नहीं कर पाएंगे, 15 से 20 दिन में बिक चुका है सर। इसके सामने बराबर में कॉलोनी ली गई, वो मैं दिखाऊंगा अभी। अच्छा, काम जोर शोर से यहाँ पे चल रहा है पूरी प्लॉट की। भाई यहाँ पे और कौन कौन से लोग है जिनका प्लॉट है यहाँ पे? यहाँ पे जितने भी खड़े हैं सब कस्टमर ही है सर, हर कोई अपने अपने प्लॉट का लगवा लिया। आप कहो तो सही, किससे बात करवानी, किससे पूछवाऊंगी कौन सा प्लॉट। इधर तो सारे लोग अभी देख लिए वीडियो बनते हुए, बाकी आगे चलते, थोड़ा सा भाई आगे चलते, आगे आइए, आप आइए, इनसे पता करते हैं, हमारे नए पुराने सारे कस्टमर है सर, ऐसी बात नहीं कि कुछ नहीं है, खास बात है। और कैसे हैं सर? इतने सारे लोग हैं, इनसे पूछेंगे अभी। ये हमारे राजेश जी हैं। अच्छा, और ये कहाँ से सर आप? नंगला बीच। नंगला बीच आपका प्लॉट कहाँ है? प्लॉट सर मेरा प्लॉट उधर है। अच्छा, इधर है आपका प्लॉट? पीछे रजिस्ट्री घर पर है। रजिस्ट्री भी घर पर है। प्लॉट पर कब्जा हो गया क्या आपका? हाँ जी, कब्जा ही है हमारा, कब्जा हो गया, बाउंड्री वगैरह हुआ, मकान कब बनाना चाह रहे हैं आप? अब बताइए सर, बनाना चाह रहे हैं बस ये। मैं एक दो चीज पूछना चाहूंगा आपसे छोटी सी, जिस टाइम आपने प्लॉट लिया था वहाँ उस समय यहाँ पे क्या था, आप बता सकते हैं मुझे? कुछ कुछ नहीं था सर, दो मकान थे। दो मकान, अब क्या लग रहा है आपको, अब कैसा महसूस हुआ आप इतने दिनों बाद? पूरा ही माहौल हो रहा है, अब तो माहौल पूरा बढ़िया बन गया ना, वाला माहौल हो रहा है। तो अब कब बना रहे हो आप? बस सर बना लेंगे 1 से 2 महीने में, और क्या है। क्या बात है, देखिए सारे लोग यहाँ पे मकान बनाने के लिए रेडी है। ये देखिए एक और मकान यहाँ बन रहा है, इधर तो आपने प्लॉट कहाँ है भाईजान? हमारा प्लॉट सारे यहाँ पे मकान बन रहे हैं। और ये देखिए तुम्हारा प्लॉट कहाँ है? अच्छा, इनका भी मकान है। और ये किसका प्लॉट है? ये मेरे भाई का है। और वो कौन खड़े हैं? वो हमारे साले साहब हैं। और उनका प्लॉट कहाँ है? उनका प्लॉट उधर बन गया। मतलब टोटल कितने प्लॉट ले लिए आप लोगों ने हमसे, ये बताइए आप? 9 प्लॉट ले चुके 9 प्लॉट ले चुके हैं सर। ले लिए भाई। अच्छा, काम किसके कितने प्लॉटों में करवा चुके हैं? हमने 3 प्लॉट में करा। अच्छा, 9 प्लॉट क्यों लिए यहाँ पे आप? और भी तो लोकेशन है, यहाँ पे क्यों लिए 9 प्लॉट? यहाँ पे सर सब कुछ अच्छा लग रहा है, रेलवे स्टेशन पास में है, मेट्रो भी पास में है, और भी सुविधाएं हैं, मतलब पूरी फैमिली इधर ही बसाना है। जी जी जी, क्या बात ये है, तो पूरे रिश्तेदार अपने साले ससुर भाई बंदे सब आ चुके हैं, सब आ गए यहीं पे। देखिए मतलब जो भी लोग लेना चाहते हैं ले रहे हैं, इसका मतलब यही है कि लोगों को अच्छा लग रहा होगा तभी तो इतने सारे ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तो ये कुछ नहीं, अभी कह रहे हैं अभी तो हमारे कॉलिग्स आए नहीं, अभी तो हमारे दोस्त यार आए नहीं, और ये कोई आपके वीडियो के लिए काम नहीं करवा रहे। यहाँ पे देखिए काम चल रहा है वो दिखा रहे हैं आपको, इधर भी काम चल रहा है, इधर भी काम चल रहा है, सारे तरफ काम चल रहा है। ये देखिए एक साथ आपको दिखा दे, इस साइड भी काम चल रहा है, हर एक बाउंड्री पे और काम ये मट्टी बड़ी है, यहाँ भी काम चालू होने वाला है, मटेरियल वगैरह सब है। अच्छा, किस्त पे मटेरियल वगैरह? हाँ, मटेरियल भी किस्त पे दे देते हैं, मकान बनवा के भी दे देते हैं सर, जैसे होता है ना कस्टमर कहता है बनवा के देंगे, मकान बनवा के दे दूंगा। और जैसे कि मान लीजिए किसी कस्टमर का बजट नहीं बन पाता, तो उसने मुझे आधी पेमेंट दे दी लागत की, मैं मकान की नहीं बात कर रहा, सिर्फ लागत की आधी पेमेंट देता, बाकी आधी पेमेंट मैं अपने पास से लगवा के मकान में दे दूंगा, मतलब 50% पर मकान भी बनवा देंगे। हमने डेवलपमेंट तो देखा ही, बाकी भाई यहाँ पे बिजली पानी क्या है यहाँ है? देखिए सर कैमरे से देखिए, पानी के लिए कहते हैं 2 मिनट में समर सेविल चलवाऊंगा, एक बार चला के दिखा दे, क्योंकि लोग तो बताते हैं यहाँ पे, थोड़ा चला के देखिए। आंटी जी एक बार समर सेविल चला रही है, सब पानी भी आने वाला, पानी अंदर चालू कर दिए, ये देखिए सामने पानी आ गया आपके, क्या बात है, मतलब बिजली पानी पूरी प्रॉपर सबको मिल पूरी सुविधा है सर। सबसे खास बात और बताऊं, आपने हमारी पूरी कॉलोनी में घूमे होंगे, आप एक चीज जरूर नोटिस कर रहे होंगे कि हर मकान में दुकान दिखाई दे रही होंगी, बिल्कुल ये दुकान यहां समझ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ आप रहने के साथ साथ रोजगार का साधन भी है, खुद का स्वयं रोजगार कर सकते हैं, बिल्कुल, इसीलिए तो हर दूसरे मकान की जमीन है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे अगर कुछ छोटे मोटे दुकान चाहे तो आप वो भी हर प्लॉट में आपको दुकानें दिखाई देंगे। वो नया अंडर कंस्ट्रक्शन मकान है, उसमें भी देखेंगे तो दुकान के लिए जगह छोड़ी हुई है, आगे देखेंगे तो उसमें भी दुकान बनी हुई है, मतलब पूरे में लोगों ने दुकान बनाई हुई है, बाकी आपकी इच्छा है तो आप खुद भी बनवा सकते हैं। ठीक है, पीछे देखिए बातचीत चल रहा है, अपना मकान ही बनवा रहे, चलते आप नई लोकेशन अपनी कौन सी, आप जो बिल्कुल जस्ट बराबर में है सर, इसके वहीं चलते हैं, इसी के पास है ना, बिल्कुल ऐसा तो नहीं दूर है, नहीं 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 वहाँ पे है बसावट, पैदल में सर बसावट से मिलती हुई, अब ये बसावट है सर, तो बसावट होगा तभी चलेंगे वहाँ पे, बसावट है, चलिए चलिए बसावट देखते हैं वहाँ की। हम थे जो अपने पुरानी प्लॉट जो भी डेवलपमेंट हुई है वो तो सामने 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 सामने। अच्छा, और अभी हम नए पे आ गए, अब जैसे कि मैंने निखिल भाई आपसे बताया कि हमारे प्लॉट पे 9 रास्ते आने के लिए, नौ रास्तों में से एक रास्ता ये है, सामने आप देखेंगे मेन रोड जो कि आपको सीधा शिव विहार ले जाता है, ये मेन रोड है इस घर के पास, बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरी बसावट, पूरी बसावट है, यही आपकी साइड होने वाली है, बिल्कुल आप बराबर में देखिए पूरी बसावट में। और क्या है यहाँ पे? स्कूल है सर, आप सामने देख सकते हैं, आपको स्कूल मिलेगा, पूरी बसावट भी, और सबसे बड़ी खास बात ये, इधर से रेलवे स्टेशन जाना है आपको, इधर से आपको शिव विहार मेट्रो स्टेशन जाना है, रेलवे स्टेशन सब है, जाने के लिए भी इंडस्ट्रीज एरिया जाने के लिए आप इधर से जा सकते हैं, बसावट देख सकते हैं, हर घर में लाइट लगी हुई है, हर घर में पानी मतलब की टंकी लगी हुई है, ऐसी कॉलोनी में आपको कोई नहीं दिखाएगा प्लॉट जहाँ स्कूल भी हो आपको यहाँ सामने। तो भाई कौन सा स्कूल है ये? FRG प्ले स्कूल है सर, यहाँ से देख सकते हैं प्ले टू 12th,
अच्छा। बारहवीं तक का सबसे बड़ी खासियत यह है कि हम कहीं अपना बच्चों को पढ़ने भेजते तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देना पड़ता है, यहाँ तो वॉकिंग डिस्टेंस पे बच्चों को मम्मियाँ छोड़ के चली जाएंगी, पापा अपने ड्यूटी पे आराम से जा सकते हैं। घर के सामने से ही स्कूल दिखेगा ये तो। बिल्कुल स्कूल है और वॉकिंग डिस्टेंस पे सामने कॉलोनी हो गई आपकी, ये स्कूल हो गया। सामने कॉलोनी और सामने स्कूल है आपके एक साइड और बीच में आपको प्लॉट मिल जाएगा। कहाँ पे है सर ये मेन रोड हो गया आपका, ये जमीन आपकी शुरू हो गई, जैसे कि अभी मैंने पीछे वाली कॉलोनी दिखाई है, दो चार महीने बाद ये भी ऐसी हो जाएगी, बराबर में स्कूल मिल जाएगा, एक स्कूल नहीं बराबर में, उसके बराबर में आईटीआई कॉलेज भी मिल जाएगा, सरकारी स्कूल भी मिल जाएगा आपको, मेट्रो स्टेशन भी मिल जाएगी, फैसिलिटीज तो हर चीज की है सर। अपनी जमीन है क्या सारी? सारी जमीन अपनी है सर, मौका है दिसंबर तक के लिए मैंने ऑफर निकाला है, दिसंबर तक जो आता है उसके लिए ऑफर है, उसके बाद तो सर रेट बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिकली। प्लॉट तो किसी ने नहीं दिखाया, कितना प्लॉट है ये अपना? ये टोटल जो एरिया है आपका 50,000 गज का एरिया है, यानी कि यहाँ कम से कम 1,000 फैमिली आगे रहेंगी, अपने अपना सपना पूरा करेंगे, अपने मकान में आगे रहेंगे, तो आप भी समझिए कितनी बसावट होगी। और यहाँ पे पहले से जो घर बना हुआ है ये सब क्या बिक चुका है सारा? ये सर हमारे ही डेवलपमेंट है, जैसा कि हमने वीडियो में देखा था, पुरानी वीडियो में भी और अभी भी हमने शूट किया है, तो इसका रेट तो सर ऑफिसली बढ़ चुका है, यहाँ का रेट अब 18,000-20,000 रुपए का जे, यहाँ का जो मैं प्लॉट दे रहा हूँ आपको यहाँ 10,000 रुपए गज से शुरू होने वाला है, 18-20 पास में बिक चुका है और अब नहीं चालू हुई इसलिए इतना सस्ता दे रहे क्या? सिर्फ दिसंबर के लिए सर ये। अच्छा, दिसंबर के बाद रेट मतलब बढ़ जाएगा तो महंगी कर देंगे? बिल्कुल महंगा कर देंगे सर। अरे देखिए यहाँ पे जिनको लेना है वो अभी आए, जिनको प्लॉट लेना है ऐसी लोकेशन पे आपको प्लॉट फिर दोबारा नहीं मिलेगा। नया साल आने सामने, नया साल आने में 20 दिन और 20 दिन का ही ऑफर है, 20 दिन के बाद रेट में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएंगे, हो सकता है कि रेट बढ़ जाए, जो आज आज बताया जा रहा है वो रेट ना रहे। आपको मतलब नेचुरली बढ़ता ही है, कहीं पे भी लोग अगर बसेंगे तो पीछे से भी जमीन और जैसे कि मैंने अभी आपको जैसे बताया था पिछली वीडियो में हमने कि हम इसको लॉन्च कर चुके थे उस समय आया था, तो उससे काफी प्लॉट्स बुक भी हुए हैं अब। अच्छा। लोगों ने यहाँ पे अपने मटेरियल डलवा दिया है। अच्छा। ये कुछ लोग बाउंड्री करवाएंगे, कुछ मकान बनवाएंगे, तो जाहिर सी बात है महीना दो महीने में आप देखेंगे कि अब जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो कितना डेवलपमेंट हो चुका होगा। यहाँ पे कितना प्लॉट देते हैं कम से कम? अगर कम से कम हमारे यहाँ 25 गज से स्टार्ट है, 20 गज भी ले सकता है कोई लेना चाहे तो, 20 गज से शुरू हो गया, 50 गज 60 गज। ले लेंगे नहीं सर, इसके लिए मैं आपको 40-42 महीने तक का टाइम दूंगा, किसी किसी केस में मैं 48 महीने तक का समय देने के लिए तैयार हूं। कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा आपसे, जो अमाउंट आपसे एग्रीमेंट में साइन हो जाएगा वही अमाउंट देना है, यानी कि छोटी सी बात कर जाएगा 25 गज का प्लॉट लेते हैं तो आपका 2.5 लाख रुपए से शुरू होने वाला है। 2.5 लाख रुपए का मात्र प्लॉट यहाँ पे मिल रहा है। और उसके लिए आपको 42 महीने तक का समय मिलता है, यानी कि 2.5 लाख में अगर मुझे 30-35 हजार रुपए देते हैं, अगर कैलकुलेशन करेंगे आप तो ब्याज फ्री रहेगा पहली बात तो, और कैलकुलेशन में आप जाएंगे तो मात्र 4,000 या 5,000 रुपए से ऊपर नहीं होने वाला आपका, यानी कि किराए से भी बचेंगे आप और अपने प्लॉट के मालिक भी बचेंगे। देखिए जो लोग अभी भी किराए पे रह रहे, इतनी बसावट में जमीन अभी चालू हुई है इसलिए इतना सस्ता दे रहे, 18-20 हजार रुपए मिलेगा आपको कुछ दिन बाद यही जमीन, क्योंकि देखिए आगे वाली बनी है तो आप किसी से भी आगे पूछेंगे तो रेट ही यही है यहाँ पे। अभी ये नई हुई है चालू, तो देखिए नए में हमेशा स्टार्टिंग में कम होता है, जैसे लोग बसेंगे लोग अपनी खुद भी रीसेल करते हैं तो उसमें बहुत महंगी मिलेगी आपको दोबारा से। गाइस देर ना हो जाए, जल्द से जल्द अपने सपनों का प्लॉट बुक करें, क्योंकि ये ऑफर सीमित समय के लिए है, दिए गए नंबर पर फोन कीजिए और अपना अपना प्लॉट बुक कीजिए, अपनी विजिट कीजिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।